अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तूरी की रेसिपी। आई नो आप सबके घर में तूरी बनती होगी और सबके अपने अपने अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, तो आप भी अपनी रेसिपी से ट्राई करते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है तूरी और उन आधा किलो के करीब, ठीक है। और अब मैं उसको पील ऑफ करके कटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी स्लाइसेस में। और यहाँ पे मैं आपको हैंड चॉपर शो करा रही हूँ। इस हैंड चॉपर में मैं दो अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और टमाटर को अलग अलग चॉप कर लूँगी। और अब इन सब कुछ कटिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिएगा, मैंने तूरी कुछ इस तरह से स्लाइसिस में कट कर ली है, टमाटर भी मैंने चॉप कर ली है और प्याज भी, और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी और नमक इसके अंदर ऐड करूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज आप चाहें तो आप स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। और साथ ही जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को मैं तब तक फ्राई करूँगी, आप देख सकते हैं कि वो जब तक ट्रांसपेरेंट पिंक नहीं हो जाए। जब मेरी प्याज फ्राई हो चुकी तब मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और हल्की सी मैंने उसकी भुनाई कर ली है। और साथ ही मैं उसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर को भी मैं तब तक भून लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा टमाटर और प्याज के साथ भुनाई करते हुए, तो फिर मैं तूरी ऐड कर दूंगी। और तूरी को मिक्स करते हुए मैं साथ ही ड्राई मसाले भी ऐड कर दूंगी, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक है। और ये आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितनी आपने तूरी बनानी है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ऐड की है, मैंने 1/2 kg तूरी ली है तो मैं उसी हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आप अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप देख लीजिएगा, मैंने 1 कप पूरा नहीं लिया, ठीक है। आप पानी ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर दें और लिड कवर करके तब तक उसको पकाएं जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए, ठीक है। अब ये स्टेज है कि आपकी तूरी पक चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है और ये हमारी तूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि तूरी का फाइनल लुक कैसा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तूरी की रेसिपी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।